मालूम है कि एक्ने मात्र एक पिंपल नहीं बल्कि एक बीमारी है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। इसके क्या कारण हैं और आप इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, आज बात करेंगे इसी बारे में। मगर इन पर बात करने से पहले एक्ने और अपनी स्किन को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्ने एक डिजीज़ है जिसके 4 सिम्टम्स होते हैं। पहला ब्लैक हेड्स, दूसरा व्हाइट हेड्स, तीसरा पिंपल्स और चौथा ब्रेकआउट। जब आपकी स्किन में इन चारों में से कोई 2 चीज़ें भी होने लगती हैं तो समझ जाइए कि आपको एक्ने की प्रॉब्लम है। अब समझते हैं हमारी स्किन को। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। पहली बाहरी त्वचा जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी लेयर होती है डर्मिस जिसमें ऑयल और स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से आपके फेशियल हेयर बाहर आते हैं, और तीसरी लेयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी स्किन को आपके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं पहली लेयर की, जिसमें आप कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं। फेशियल करते हुए जिस लेयर की आप मसाज करते हैं वो आउटर लेयर होती है, जो कि मसाज करने के बाद खिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आउटर लेयर में डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और जो पहली लेयर के पीछे की स्किन होती है वो खिलकर बाहर आती है। इसके बाद होती है दूसरी लेयर जिसमें ऑयल ग्लैंड होता है, और अगर आपकी ये लेयर हेल्दी है तो आपके चेहरे को चमकदार होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं इस लेयर में मौजूद सीबम ग्लैंड की, कि ये ग्लैंड होता क्या है और कैसे काम करता है। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ये ग्लैंड बाहर आता है और डेड स्किन को हटाता है। मगर कई बार जब हमारे ये स्किन पोर्स ज़्यादा मात्रा में सीबम ग्लैंड रिलीज करते हैं तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पोर्स के अंदर ऑयल के साथ साथ डेड स्किन भी जमा होने लगती है, जिससे पिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक्ने की प्रॉब्लम कब शुरू होती है। जब आप प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं तो उस वक्त आपके सीबम ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण आपको एक्नेस का सामना करना पड़ता है। एक्ने का एक कारण होता है बार बार चेहरे पर हाथ लगाना, जिससे आपके चेहरे में हेल्दी पोर्स यानी कि स्वस्थ छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं और अगेन पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके साथ ही रेगुलरली फेस वॉश ना करना आपकी आउटर स्किन में डेड लेयर जमाने का काम करता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा पिंपल्स की दिक्कत होती है। इसके बाद एक्नेस होना डिपेंड करता है आपकी बॉडी या स्किन को क्या चीज़ सूट करती है। अगर बात करें खानपान की, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में ऑयल रिलीज़ कर रहा है तो उसके कारण आपके पिंपल्स निकल सकते हैं। सेकंड थिंग कि आपकी स्किन पर कैसे प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है कि आपकी स्किन पर कोई केमिकल प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाए जिससे चेहरे पर एक्ने की प्रॉब्लम हो जाए। सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है सही डाइट फॉलो ना करने की वजह से। सही डाइट फॉलो ना करने का मतलब आपने अपने खान पान में मिर्च मसाला, जंक फूड और ऐसा खाना शामिल किया हुआ है जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर फूड शामिल करने होंगे और कम से कम एक दिन में 3 लीटर पानी कंज्यूम करना होगा। इससे आपका डाइजेशन ठीक होगा और अगर पेट साफ होगा तो आपका चेहरा भी एकदम साफ होगा। इसके साथ ही अपनी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसा करना इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको पसीना आएगा और जितना पसीना आएगा उतना आपकी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकलेगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये थी कुछ टिप्स आपकी स्किन को एक्ने फ्री और हेल्दी रखने की। इनको अपने डेली रूटीन में लाइए और फिर देखिए चमत्कार। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि आपको सेहत से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं। हम आपको उस समस्या का घरेलू समाधान बताने का पूरा प्रयास करेंगे।